एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह की एक टूथपेस्ट लेनी होगी और इसके हिस्से को काट कर निकालना होगा। अब हमको क्या करना होगा, इस हिस्से को अच्छे से धो लेना होगा। तो अभी मैं पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले रहा हूँ, उसमें से बारीक बारीक टुकड़े काट रहा हूँ। उसको अच्छे से घिस कर एकदम राउंड में कर लेना होगा। इस तरह के टुकड़े काट लेने हैं आपको भी। तो देख सकते हो मैंने इसको घिस कर एकदम गोल कर लिया है। अब इस ढक्कन के इस हिस्से को काट कर निकाल देना होगा। मैंने जो तीत काटे थे उस तीत को उस राउंड को ऊपर आपको मजबूती से साथ चिपका देना होगा। आपको बहुत ही अच्छे से घिस कर उसको मजबूती के साथ चिपकाना होगा। इस तरीके से आप उसे चिपका दिए। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिल चक के अंदर आप मैक्सिमम 5 mm का ड्रिल बिट लगा सकते हो। अगर आपसे मोटा बिट लगाना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक ड्रिल चक का वीडियो बना दिया है, जिसमें आप मैक्सिमम 10 mm तक का ड्रिल बिट लगा सकते हो। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो उस वीडियो को। फ्रेंड, देख सकते हो उंगली चिपक चुकी है, तो उंगली काफ़ी मजबूती से चिपक गई है। तो इसे खींच कर निकालना होगा। तो इस तरीके से खींच कर निकालना होगा, काफ़ी मजबूती से चिपक चुकी है। तो अब इसको खींच कर अलग करना पड़ेगा। और देख सकते हो काफ़ी मजबूती से चिपक चुकी है और चमड़ी भी साथ में खींच के आ गई है, देख सकते हो। और बहुत दर्द हो रहा है, तो काफ़ी मजबूती चिपकने को ध्यान से चिपकाना। वैसे देख सकते हो चमड़ी उतर गई। तो यार फेविकी की पकड़ भी काफ़ी कमाल की है, तो इसके साथ भी आपको ध्यान से काम करना पड़ता है। देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह का आपको भी बना लेना है। तो इस हिस्से को इस ड्रिल के अंदर हमको फिट करना है और इस होल को अंदर इस तरीके से डालकर उसमें नट होता है, उस नट को कस देना है। तो ये टाइट हो जाएगा, निकलेगा नहीं। और फिर ढक्कन को उसके ऊपर रखकर आपको घुमाकर टाइट कर देना और ये बिट को टाइट कर लेगा। तो ये इसी तरीके से काम करेगा। देखिए, इसके अंदर मैंने फिट कर लिया, तो मैंने काफ़ी मोटा बिट लगा दिया इसके अंदर। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा ड्रिल चक तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हमारी मोटर की RPM तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन टॉर्क उतना ज़्यादा नहीं है। देख सकते हो बिट फंस चुका है। तो सिर्फ RPM से कुछ नहीं होता, टॉर्क भी होना जरूरी है। लेकिन हमारा ड्रिल चक काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हो इसने होल्ड कर दिया। फ्रेंड, ये काफ़ी छोटी मोटर है, छोटी मोटी ड्रिलिंग के लिए बनी है। आप 1-2 mm तक की ड्रिलिंग आराम से कर सकते हो। अगर ज़्यादा पावरफुल मोटर में लगाओगे तो हो सकता है आपका ड्रिल चक टूट जाए, क्योंकि प्लास्टिक का ही बना है। और देख सकते हो इस मोटर को मैं कितनी आसानी से रोक सकता हूँ। तो इसके RPM तो काफ़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन टॉर्क उतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसमें होल्ड करके देखते हैं। फ्रेंड, जैसा मैंने कहा, इस मोटर की RPM तो काफ़ी ज़्यादा है, टॉर्क उतना ज़्यादा नहीं है। तो जैसे ही मैं जोर लगाता हूँ तो RPM कम हो जाती है, और साथ ही साथ ये बिट भी पुराना है।
तो पावरफुल मोटर नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से काम करेगा, तो जब तक तुम्हारा काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हो हमारा ड्रिल चक तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और सिर्फ घर में पड़े कबाड़ की मदद से इसे बना के तैयार किया है। तो देख सकते हो ये ड्रिल भी ठिल चुका है, तो इसको सही करते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।